प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महर्षि सूत जी, मन की जिज्ञासा और तीव्र होती जा रही है। मन करता है आप सुनाते जाएं, हम सुनते जाएं। गौरी नंदन गणेश के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की हमारी पिपासा बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। शौनक ऋषि, यही तो भक्ति भावना है। जो इसे अनुभूत करेगा वही परमेश्वर का भक्त कहलाएगा। हे महामुनि, इस युद्ध का परिणाम अब किस रूप में व्यक्त होगा? जो विधि के विधान में अंकित है। हे महामुनि, समस्त देवता गौरी नंदन बालक गणेश से युद्ध के लिए तत्पर हो चुके हैं। क्या अब भी बालक गणेश की सुरक्षा हेतु आगे कोई नहीं आएगा? भला उनकी सुरक्षा कोई क्या करेगा, वे तो स्वयं सबके रक्षक हैं। हे महर्षि, क्या इस समय भी मातेश्वरी गौरी अपने पुत्र की सहायता के लिए नहीं आएंगी? ये कैसी लीला रची जा रही है ऋषिवर, ये कैसी लीला रची जा रही है? ये लीला कैसी है ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही जानते हैं। मातेश्वरी गौरी अपने पुत्र की सहायता के लिए अवश्य आती है, परंतु जिस समय गौरी नंदन बालक गणेश से समस्त देवता युद्ध के लिए तत्पर थे, उस समय मातेश्वरी गौरी अपने शयन ग्रह में थी। हे महामुनि, ये तो बड़ी चिंता का विषय है, इसके पश्चात क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश युद्ध के लिए मंत्रणा कर रहे थे। दूसरी ओर तारकासुर गौरी नंदन बालक गणेश से युद्ध के लिए तत्पर था, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे युद्ध से रोक लिया, क्योंकि उन्हें पिता और पुत्र के बीच होने वाले युद्ध की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। संहार का सुर ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अग्नि में घी छिड़कने का कार्य किया। उसने महादेव को गौरी नंदन के विरुद्ध भड़काया। उसने महादेव को बता दिया कि इंद्रादि देवता गौरी नंदन गणेश से युद्ध में परास्त हो चुके हैं। यह सुनने के पश्चात तो महादेव के क्रोध को रोक पाना असंभव था। आगे क्या हुआ इस पुनीत कथा में श्रवण करें। विश्वकर्मा, क्या समस्या शिवगढ़? आप समस्त इतने घबराए हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या बात है? ये क्या अनर्थ हो रहा है महामुनि, ये क्या अनर्थ हो रहा है? कैसा अनर्थ शिवगण, कैसा अनर्थ? जल्दी बताइए, तलाश के लिए कोई अशुभ समाचार तो नहीं है? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, क्या हुआ है? जिस वीर गणेश ने हमारे प्राण बचाए वो महामुनि, आज उसी वीर गणेश के प्राण संकट में है। ये कैसा अशुभ समाचार लेकर आए हो शिवगण? महामुनि, हमें जिस अनर्थ का भय था वही घटित हुआ। अब क्या होगा, अब क्या होगा महामुनि, अब क्या होगा? क्या महादेव ने हमारे रक्षक बालक गणेश के साथ युद्ध आरंभ कर दिया? क्या देखकर आए आप लोग, क्या देखकर आए आप लोग? हम देवादिदेव महादेव का क्रोध देखकर आ रहे हैं महामुनि, उनका क्रोध देखकर आ रहे हैं। क्रोध? क्या महादेव इस समय हमारे बालक गणेश के समक्ष भवन के द्वार पर है? अब उन्हें रोक भी कौन सकता है महामुनि? इंद्रदेव की पराजय के पश्चात महादेव का क्रोध ज्वालामुखी बन चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्र हमारे बालक गणेश से पराजित होने के पश्चात महादेव के समक्ष पहुंच गए हैं। और अब समस्त देवता इस पराजय का बदला लेने के लिए तत्पर हैं। सारे देवता एकत्रित हो चुके हैं महामुनि। हमने महादेव के साथ समस्त देवताओं के अतिरिक्त ब्रह्मदेव और विष्णुदेव को भी बालक गणेश के वध की योजना बनाते हुए देखा है। हमारे बालक गणेश के प्राण संकट में है महामुनि, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था महामुनि के बालक गणेश का द्वार पर ठहरना उचित नहीं है। आप किसी भी तरह उन्हें विनय नम्रता से भवन के द्वार से हटा दीजिए। यदि आपने पहले ही बालक गणेश को द्वार से हटा लिया होता तो आज उनके प्राण संकट में नहीं पड़ते। ये हमारा दुर्भाग्य है वीरभद्र, ये हमारा दुर्भाग्य।
हमने कितना भी बालक गणेश को भवन के द्वार से हटाने का प्रयत्न किया, यत्न किया, किंतु वो भवन के द्वार से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम अपने बालक गणेश से अनुरोध करेंगे, हम उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएंगे। हमारे बालक गणेश को बचा लीजिए महामुनि, हमारे बालक गणेश को बचा लीजिए। क्या आप समस्त शिवगण हमारी तरह बालक गणेश के पक्ष में हैं? हाँ महामुनि, हम सभी बालक गणेश के पक्ष में हैं। जिस वीर गणेश ने हमारे लिए युद्ध किया हो, हम उनका पक्ष ना लें? यदि हम उनका पक्ष नहीं लेंगे तो ये बालक गणेश के साथ विश्वासघात होगा। समस्त शिवगण हमारे साथ चलने के लिए तैयार है महामुनि, क्यों ना हम फिर एक बार प्रयत्न करके देख लें? संभवतः बालक गणेश शिवगण की बात मान ले। यदि आप सब तैयार है तो मैं अवश्य चलूंगा, संभवतः वो शिवगण की बात मान ले। आइए बालक गणेश को भवन के द्वार से हटाने का प्रयत्न करते हैं, चलिए मेरे साथ। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम महामुनि, आप भोजन के समय कहाँ चले गए थे? चले जाने का आदेश तो आप ही ने दिया था बालक गणेश, किंतु इस समय मैं विवश हूँ, इसलिए अपनी प्रार्थना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कैसी प्रार्थना महामुनि, और ये समस्त शिवगण आपके साथ किस लिए आए हैं? ये समस्त शिवगण अपनी विनती, अपना अनुरोध लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए। कहिए क्या अनुरोध है शिवगण? हे बालक गणेश, हमारा आपसे एक ही अनुरोध है, कृपा करके इस भवन के द्वार से चले जाइए। हे बालक गणेश, हम अपने रक्षक के प्राण संकट में नहीं देखना चाहते। आप महादेव के क्रोध से परिचित नहीं हैं। यदि आप भवन के द्वार से हट जाएंगे तो आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा, कृपा करके भवन के द्वार से हट जाइए। हे बालक गणेश, ये इनका स्नेह है, इनका प्रेम है, इन्हें निराश मत कीजिए। हमारी नहीं तो कम से कम इनकी बात तो मान लीजिए। हमें नहीं, समस्त शिवगण आपके शुभचिंतक हैं। कोई नहीं चाहता कि आप युद्ध करें। युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं, युद्ध तो समस्त देवतागण हमसे करना चाहते हैं। हम तो उनके द्वार पर युद्ध करने नहीं गए थे, वो हमारे द्वार पर युद्ध करने आए थे। हम जानते हैं बालक गणेश के आप निर्दोष हैं, ये हम जानते हैं, किंतु इस समय यदि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त शिवगण आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। कृपा करके हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। हम विवश हैं महामुनि, इस समय हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें निराश न करें बालक गणेश। यदि आप अपना ये प्रस्ताव उस समय लेकर आते जिस समय महादेव ने हमसे युद्ध की घोषणा नहीं की थी, तो हम आपका ये प्रस्ताव अवश्य स्वीकार कर लेते। तो क्या अब आप ये स्वीकार नहीं करेंगे? अब तो ये असंभव है महामुनि, हम ये द्वार नहीं छोड़ सकते। यदि अब हम ये द्वार छोड़ेंगे तो स्वामी महादेव और समस्त देवतागण की दृष्टि में हम कायर कहलाएंगे। एक वीर महाबली को कायर कौन कह सकता है? कृपा करके हमारी बात मान लीजिए बालक गणेश, कृपा करके हमारी बात मान लीजिए। आप क्या चाहते हैं, कि हम कायरों की तरह अपने भवन में छुपकर बैठ जाएं? ये युद्ध नहीं, हमारी प्रतिष्ठा और हमारे मान सम्मान की बात है। यदि हम यहाँ से चले गए तो स्वामी महादेव ये समझेंगे कि हम उनके भय से ये द्वार छोड़कर चले गए। ब्रह्मदेव, श्री हरि, विष्णु देव और महादेव जैसे बलिष्ठ देवता आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, आप अकेले उनके अस्त्र शस्त्र का सामना किस प्रकार करेंगे? युद्ध शस्त्रों से नहीं, साहस से लड़ा जाता है। यदि उनके पास शस्त्र हैं, तो हमारे पास साहस है। अब कुछ भी परिणाम हो, हम ये द्वार नहीं छोड़ेंगे, हम उनके आक्रमण का उत्तर देंगे। रुक जाइए, युद्ध से पूर्व आप ये अच्छी तरह सोच लीजिए, कहीं आपको भी हमारे हाथों अपमानित ना होना पड़े। यदि आप इस अभिमान में आए हैं कि हमें छोटा बालक समझकर युद्ध में पराजित कर देंगे, तो आपका यह अभिमान चूर चूर हो जाएगा। पार्वती नंदन गणेश, हम तो शांत ब्राह्मण विष्णु देव हैं, हम आपसे युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि आपके समक्ष शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। यदि युद्ध के उद्देश्य से आते तो हमारे पास शस्त्र होते, इसी से समझ लीजिए हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, और हमारे साथ साक्षात कमलोद्भव ब्रह्मदेव हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमसे कृपा पूर्ण व्यवहार करेंगे। पार्वती नंदन गणेश, यदि आप हमारे साथ शांति प्रिय हैं तो हमारा व्यवहार भी आपके साथ वैसा ही होगा। मनुष्य तो एक दर्पण का रूप है, हम उसके सामने जो भी वेशभूषा बनाकर जाएंगे हमें दर्पण में वही दिखाई देगा। क्या बात कही पार्वती नंदन गणेश ने, एक छोटा सा बालक समस्त गुणों से परिपूर्ण हो
बड़े आश्चर्य की बात है ब्रह्मदेव। हे देव, इसमें आश्चर्य कैसा? पुष्प चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका तो एक ही स्वभाव है, सुगंध फैलाना। हम भी आदर्शवादी माता श्री के आज्ञाकारी पुत्र हैं, उनके अच्छे संस्कार भी हमारे अंदर आना निश्चित है। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने आप जैसा आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र प्राप्त किया है। केवल एक अच्छी माँ ही समस्त संसार का सौंदर्य है देव, यदि माँ ही नहीं तो कुछ भी नहीं। आप बताइए, आपने यहाँ आने का कष्ट किस लिए किया? गौरी नंदन, हम आपके समक्ष उलाहना लेकर नहीं, एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि एक संस्कारी पुत्र को क्या ये शोभा देता है कि वो अपने बड़ों का अनादर करे? हमने तो किसी का अनादर नहीं किया। क्या आपने महादेव का अनादर नहीं किया? निर्दोष शिवगणों के साथ युद्ध करके आपने अपनी क्रूरता का प्रमाण नहीं दिया? तत्पश्चात आए इंद्रदेव और अन्य देवताओं के साथ आपने युद्ध नहीं किया? क्या ये किसी का अनादर या आपकी असभ्यता का प्रमाण नहीं है? हे देव, आप धर्म के ज्ञाता ही नहीं, धर्म की स्थापना करने वाले विष्णु देव हैं। यदि आप ही न्याय अन्याय धर्म अधर्म के अंतर को नहीं पहचान पाएंगे तो धर्म का पालन ही कौन करेगा? अर्थात क्या अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं? क्या बलपूर्वक भवन में आने वाले को रोकना धर्म नहीं? क्या इतने शिवगणों का एक बालक से युद्ध करना धर्म है? क्या देवताओं का एक बालक के वध की योजना बनाना धर्म है? मौन क्यों खड़े हैं? उत्तर दीजिए, क्या हमारा यही अपराध है कि हमने अपनी माताश्री के आदेश का पालन किया? किंतु देवताओं से युद्ध करने का अपराध तो किया है आपने। अपराध? हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे। क्या हम भवन का द्वार छोड़कर देवलोक के द्वार खटखटाने गए थे कि आइए हमसे युद्ध कीजिए? अपराध तो आप देवता कर रहे हैं जो हमें अधर्मी बनाना चाहते हैं। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं गौरी नंदन। हमारा आरोप बिल्कुल उचित है। हमारी माताश्री ने हमें ये आज्ञा देकर भवन के द्वार पर नियुक्त किया कि किसी को भी भवन में प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। क्या मैंने कर्तव्य का पालन करके ठीक नहीं किया? इस समय माताश्री शयन कक्ष में है और उन्होंने मुझे द्वार से हटने का कोई आदेश भी नहीं भेजा। यदि आपकी दृष्टि में हमारा द्वार पर नियुक्त रहना अधर्म है तो हम हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि माँ की आज्ञा का पालन करना कोई धर्म नहीं। आप तो साक्षात ब्राह्मण हैं विष्णुदेव, कहिए माँ के आदेश का पालन करना कोई धर्म नहीं? हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। उत्तर दीजिए। अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है पार्वती नंदन गणेश। धर्म यही है कि माँ की आज्ञा का पालन किया जाए। तो जाइए प्रभु महादेव और समस्त देवताओं को जाकर समझाइए कि हम इस द्वार पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जैसे ही मातेश्वरी का आदेश प्राप्त हो जाएगा हम उन्हें भवन में आने की अनुमति दे देंगे। इसके पश्चात भी यदि वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। पार्वती नंदन गणेश, हम आपकी भावनाओं से अवगत हुए, किंतु समस्त देवता जो उचित समझेंगे वही उत्तर आपको दिया जाएगा। आइए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, बालक गणेश ने हमें निरुत्तर कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बालक को किस प्रकार और क्या उचित उत्तर दिया जाए। उचित उत्तर केवल युद्ध है महाप्रभु, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्मदेव, यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो बालक गणेश अपने स्थान पर बिल्कुल उचित है। वो अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हे जगत पालक, प्रश्न इस समय उचित अनुचित धर्म या अधर्म का नहीं है। इस समय प्रश्न है गौरी नंदन गणेश के पुनर्जन्म का। बालक गणेश को पुनर्जन्म लेना ही होगा। बालक गणेश का पुनर्जन्म तभी संभव हो सकता है जब बालक गणेश की मृत्यु हो ब्रह्मदेव। और बालक गणेश की मृत्यु केवल युद्ध में ही हो सकती है जगत पालक, इसलिए हमें बालक गणेश से युद्ध करना ही होगा। युद्ध इतना सरल नहीं है ब्रह्मदेव, वो अत्यंत शूरवीर महाबली और युद्ध प्रिय है। हमारी पारदर्शी आंखों ने उन्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। इस समय तीनों लोकों में कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता, ना ही देवता, ना दैत्य, ना ही गंधर्व। वो तीनों लोकों में अनुपम तेज, शौर्य, रूप
और सर्व गुणों से संपन्न है। इसमें कोई संशय नहीं है जगत पालक, किंतु समस्त जगत का, समस्त देवताओं का कल्याण बालक गणेश के पुनर्जन्म में। हमें युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए और समस्त देवताओं को मिलकर बालक गणेश से युद्ध करना ही होगा। प्रणाम देवी लक्ष्मी। आयुष्मान भव, क्या बात है मुनिवर विश्वकर्मा? ये समस्त शिवगण यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं? कोई विशेष कारण? विशेष कारण ही है देवी लक्ष्मी, बस अपनी दुहाई लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दुहाई? कहिए मुनिवर, क्या समस्या है? आपकी समस्या का निवारण निश्चित ही निकाला जाएगा। यही आशा लेकर आपके द्वार पर उपस्थित हुए हैं। आप हमें अपने द्वार से निराश नहीं लौटने देंगे। कहिए मुनिवर, क्या चाहते हैं? गौरी नंदन बाला गणेश की सुरक्षा चाहते हैं। गौरी नंदन, क्या हुआ है उन्हें? इस समय उनके प्राण संकट में है देवी लक्ष्मी। क्या, गौरी नंदन के प्राण और संकट में? क्या हुआ है उन्हें? समस्त दिशाओं से संकट की काली छाया ने उन्हें घेर रखा है माता लक्ष्मी। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम चाहते हुए भी उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। हे माता लक्ष्मी, हमारे वीर गणेश की रक्षा कीजिए, उनके प्राण संकट में हैं। हमारे बालक गणेश को बचा लीजिए माता लक्ष्मी, उन्हें बचा लीजिए। आपके अतिरिक्त कोई अन्य उनकी सहायता नहीं कर सकता। जिस वीर गणेश ने कैलाश के युद्ध में हमारी सुरक्षा की थी, आज उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। वो बिल्कुल असहाय है, असहाय है देवी लक्ष्मी, असहाय है। वो असहाय बिल्कुल नहीं है विश्वकर्मा, हम उनके साथ हैं। किंतु पहले ये तो बताइए कि उनका जीवन संकट में क्यों है? कौन उनके प्राण लेने की चेष्टा कर रहा है? हमारी जीवा इतनी बड़ी अशिष्टता नहीं कर सकती देवी लक्ष्मी, नहीं कर सकती। निर्भय होकर कहिए, क्या बात है? मुनीवर, आप बताइए, गौरी नंदन के प्राण संकट में क्यों है? देवी लक्ष्मी। हाँ हाँ कहिए। देवी लक्ष्मी, इस समय समस्त देवता गौरी नंदन बालक गणेश का वध करने के लिए तत्पर है। क्या, गौरी नंदन गणेश का वध? ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी लक्ष्मी, मैं सत्य कह रहा हूँ। गौरी नंदन बालक गणेश के प्राण संकट में हैं। इस समय उनकी सहायता के लिए कोई तत्पर नहीं है, इसलिए हम विवश होकर आपके समक्ष आए हैं। गौरी नंदन का वध, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब तो केवल आपका ही आश्रय है माता लक्ष्मी, आप हमें अंधकार में ज्योति की किरण प्रतीत हुई है। बालक गणेश का जीवन आपके हाथ में है, अब आप उन्हें बचा लीजिए माता। क्या स्वामी श्रीहरि को इस बात का ज्ञान नहीं? वे निश्चित ही गौरी नंदन की सुरक्षा करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवी लक्ष्मी, इस समय प्रभु हरि स्वयं ही बालक गणेश के वध की योजना बना रहे हैं। स्वामी श्रीहरि, ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। प्रभु श्री हरि ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव और समस्त देवता महादेव के पक्ष में है और सबने बालक गणेश के विरुद्ध अपने शस्त्र उठा लिए हैं। निर्दोष बालक गौरी नंदन के साथ हम ये अन्याय कभी नहीं होने देंगे। आप चिंता न करें मुनिवर, गणेश केवल पार्वती के पुत्र ही नहीं, हमारे भी पुत्र हैं और अब उनके प्राणों की सुरक्षा हम करेंगे। और यहाँ कैलाश पर श्री हरि स्वामी विष्णुदेव कहाँ हैं देवी? परम भक्त तो आप हैं उनके, आपको ज्ञान होना चाहिए कि इस समय वे कहाँ हैं। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है देवी? ब्रह्मलोक गया तो पता लगा पिता श्री ब्रह्मदेव कहीं गए हुए हैं, तत्पश्चात विष्णुलोक पहुंचा तो भगवान विष्णु का कहीं कोई पता नहीं, वहां शिवलोक में भगवान महादेव के दर्शन नहीं हुए। देवी समझ में नहीं आ रहा, ये एक ही समय में समस्त देवतागण कौन सी लीला रच रहे हैं? निश्चित ही समस्त देवतागण कोई विशेष लीला रच रहे हैं, किंतु हमने ये संकल्प लिया है
कि उनकी किसी भी लीला को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी के मुख पर क्रोध के भाव। क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, किंतु आपके क्रोध का कारण जान सकता हूँ? इस समय हम आपके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकते, हम शीघ्रता में हैं। खैर, ये देवी लक्ष्मी, आपको उत्तर देना ही होगा। प्रणाम भगवान। प्रणाम देवर्षि नारद। देवी लक्ष्मी, आप हमें उत्तर दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती है देवी। अब उत्तर तो आपको रणभूमि में ही दिया जाएगा स्वामी। रणभूमि अर्थात? ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? आपको ज्ञान है कि इस अनर्थ का परिणाम क्या होगा? अनर्थ तो आप कर रहे हैं स्वामी, क्या आप नहीं जानते जो आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? आपने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल अनुचित है देवी। एक दुराग्रही बालक का पक्ष ले रही हैं आप। और आप चंद्रमौलेश्वर का पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे महादेव हैं। चंद्रमौलेश्वर का पक्ष लेना हमारा परम कर्तव्य है। यदि महादेव संकट में है तो उनकी सहायता करना हमारा परम धर्म है, और आपको भी उनकी सहायता करनी होगी, एक अशिष्ट बालक की नहीं देवी। कदापि नहीं। कदाचित आपकी दृष्टि न्याय और अन्याय के अंतर को भूल चुकी हो, किंतु हमारी दृष्टि में अभी न्याय शेष है। आप न्याय नहीं अन्याय कर रही हैं महादेव के जीवन के साथ, और जिसका आपको ज्ञान नहीं है देवी। महादेव के जीवन का महत्व है और एक निर्दोष बालक के जीवन का कोई अर्थ नहीं। आप समझने की चेष्टा कीजिए देवी, हम उस बालक के शत्रु नहीं। यदि आप उस बालक के शत्रु नहीं तो आप उसके शुभचिंतक भी नहीं हैं। आप क्या समझती हैं? समस्त देवताओं की शक्ति के समक्ष आप ठहर सकेंगी? मत भूलिए, देवियों की शक्ति के समक्ष सदैव देवताओं को झुकना पड़ा है। अब आपका युद्ध पार्वती नंदन गणेश के साथ नहीं, अब आपका युद्ध समस्त देवियों के साथ है। नारायण नारायण नारायण, ये घोर अनर्थ हो जाएगा देवी, घोर अनर्थ। ये क्या हो रहा है प्रभु? किस बालक के लिए देवी देवता परस्पर युद्ध को तत्पर है प्रभु? देवर्षि नारद, आप ही देवी लक्ष्मी को समझाइए, ये जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल अनुचित है। और आप समस्त देवता जो एक अबोध बालक की हत्या करने के लिए तत्पर है वो उचित है। यदि विधि के विधान में उस बालक का वध है तो वध होकर रहेगा। हम तो युद्ध में केवल महादेव का साथ दे रहे हैं देवी। और हम इस युद्ध में पार्वती नंदन गणेश का साथ दे रहे हैं। यदि आपको महादेव का साथ देना है तो दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमें रोकने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। जो अनुचित कार्य आप कर रही हैं उसके लिए अवश्य आपको रोका जाएगा। नहीं, इस समय आपके किसी भी आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। इस समय आप हमारी दृष्टि में अन्यायी हैं। आप एक बालक की हत्या करना चाहते हैं और हम उसकी सुरक्षा। आप जीवन छीनना चाहते हैं और हम जीवन देना। और ये मत भूलिए स्वामी, मृत्यु देने वाले से जीवन देने वाला महान होता है। जाइए, आप जाकर आक्रमण की तैयारी कीजिए, बालक गणेश की सुरक्षा हम करेंगे। श्री हरि विष्णु देव की प्रतीक्षा और नहीं की जा सकती, अन्यथा हमारे भवन के द्वार पर बैठे हुए सुदंड बालक का साहस और अधिक बढ़ जाएगा। समस्त देवता युद्ध के लिए तत्पर है महादेव, किंतु श्री हरि विष्णु देव के आने की प्रतीक्षा तो हमें करनी ही होगी, उनके पश्चात ही हम युद्ध के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। अब किसी को भी युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है चंद्रमौलेश्वर। युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं श्री हरि? क्या आप उस पराक्रमी बालक का वध करके आ रहे हैं? अब इस बालक का वध संभव ही नहीं है। ये किस प्रकार कायरों की तरह वार्ता कर रहे हैं श्री हरि? हम केवल सत्य कह रहे हैं चंद्रमौलेश्वर। अब यदि बालक गणेश का वध किया जाएगा तो ये युद्ध महायुद्ध में परिवर्तित हो जाएगा, और महायुद्ध का परिणाम होगा समस्त देवताओं का विनाश। हमारे विद्यमान होते हुए देवताओं का विनाश असंभव। क्या आप समस्त देवता हमारे क्रोध से परिचित नहीं? किस में इतना साहस है जो हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करे? हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा हो चुकी है चंद्रमौलेश्वर, यही चेतावनी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। किसने देवताओं के समक्ष युद्ध की घोषणा करने का दुस्साहस किया है? किसने? देवलोक की समस्त देवियों ने। समस्त देवियों ने? इस समय देवलोक की समस्त देवियां बालक गणेश के पक्ष में और हमारे विपक्ष में है चंद्रमौलेश्वर। ऐसे समय में बालक गणेश से युद्ध के लिए प्रस्थान करना हमारे लिए कतई उचित नहीं है। मैं देवी लक्ष्मी की आंखों में क्रोध की चिंगारियां देखकर आ रहा हूं चंद्रमौलेश्वर। देवी लक्ष्मी? यदि ऐसा है तो देवताओं के समक्ष बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देवियों द्वारा बालक गणेश की सुरक्षा का अर्थ है हमारी पराजय। देवियों का पराक्रम और उनकी शक्ति के समक्ष देवताओं को सदैव पराजय का सामना करना पड़ा है। बालक गणेश का वध निश्चित ही अनिवार्य है, किंतु हमें आक्रमण के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हे विघ्नेश्वर, समस्त देवता अब आपके वध की योजना में कभी सफल नहीं होंगे।
ये देखिए आपको आशीर्वाद देने के लिए कौन आई हैं? हे वीर गणेश, ये साक्षात माँ देवी लक्ष्मी हैं। देवी लक्ष्मी? प्रणाम देवी माँ। आयुष्मान भव पुत्र। माँ देवी लक्ष्मी, आपने यहाँ उपस्थित होकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा? ये तो हमारा कर्तव्य है। क्या बात है पुत्र, मुनीवर ने हमें बताया कि समस्त देवता आपके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। हाँ देवी माँ, अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि हमारा दोष क्या है। अब हमारा आशीर्वाद आपके साथ है पुत्र, अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि समस्त देवता आपके विरुद्ध है तो हम आपके पक्ष में हैं। अब देवताओं से युद्ध आप नहीं, हम करेंगे। हम तो स्वयं भी युद्ध के पक्ष में नहीं है देवी माँ, अब आप ही बताइए, हम क्या अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन नहीं करें? क्यों नहीं पुत्र, माँ की आज्ञा का पालन करना तो आपका परम कर्तव्य है। किंतु समस्त देवता ये बात समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे। माताश्री ने हमें आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना। तत्पश्चात महादेव ने भवन में प्रवेश करने की चेष्टा की, हमने उनसे कहा प्रतीक्षा कीजिए, मातेश्वरी के आदेश के बिना हम आपको भवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। बस वे क्रोधित उठे। महादेव क्रोधित उठे? उसके पश्चात क्या हुआ पुत्र? महादेव ने शिवगणों को हमसे युद्ध करने के लिए भेज दिया, वो हमसे पराजित होकर चले गए। उसके पश्चात इंद्रदेव और अन्य देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ गए। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने आपके साथ युद्ध किया? एक छोटे से बालक पर प्रहार करना उनकी कायरता का प्रमाण है। किंतु माताश्री और आपके आशीर्वाद से इंद्रदेव और अन्य देवता भी हमसे पराजित हो गए। अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं पुत्र कि समस्त देवता आपके साथ युद्ध क्यों करना चाहते हैं। एक छोटे से बालक से पराजित होकर उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसलिए वे एकत्रित होकर आप पर आक्रमण करना चाहते हैं। और अब आपकी सुरक्षा हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब देवताओं का युद्ध आपसे नहीं, हमसे है। हमें तो केवल देवी माँ का आशीर्वाद चाहिए, देवताओं से युद्ध के लिए हम अकेले ही सक्षम हैं। हमारे होते हुए आपको देवताओं से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारा वचन है। आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए देवी लक्ष्मी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि माता पार्वती इस समय अपने शयन कक्ष में नहीं होती तो हम आपको ये कष्ट कभी नहीं देते। पुत्र के लिए कष्ट कैसा मुनिवर, देवी उमा को विश्राम करने दीजिए, हम उनसे आने के पश्चात भेंट करेंगे, इस समय हम शीघ्रता में हैं। और पुत्र आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आपकी भुजाओं में हमारी शक्ति होगी। देवी लक्ष्मी, आप और इस समय क्या बात है, कोई विशेष कारण? यदि आदेश किया होता तो हम स्वयं आपके पास चले आते। इतना समय नहीं था देवी सरस्वती, इसलिए अति शीघ्रता में हमें आपके पास आना पड़ा। क्या बात है, कोई चिंता का विषय? चिंता का विषय तो नहीं, किंतु देवियों के मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा का विषय अवश्य है। ऐसी क्या घटना घट गई, हम आपके स्वभाव में क्रोध का मिश्रण देख रहे हैं, कहां से आ रही हैं आप? युद्ध की चेतावनी देकर। युद्ध की चेतावनी देकर? किसे? स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को। क्या, स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को? ये क्या अनर्थ सुना रही हैं आप? यही सत्य है देवी। किंतु क्यों, युद्ध का कारण क्या है, आप मुझे युद्ध क्यों करने जा रही हैं? समस्त देवता आपके प्रति क्या विचार प्रकट करेंगे? इस युद्ध के परिणाम से परिचित हैं आप? निश्चित ही परिचित हैं, इसलिए युद्ध की घोषणा करके आ रहे हैं। ये युद्ध सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का है, और अब इस युद्ध में आपको हमारे कांधों से अपनी भुजाओं को जोड़ना ही होगा। निश्चित ही हम आपके पक्ष में हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। युद्ध का यदि कोई कारण है तो उसका निवारण भी निकाला जा सकता है। हम स्वामी ब्रह्मदेव के समक्ष जाएंगे देवी। स्वामी ब्रह्मदेव तो स्वयं इस समय शत्रुओं की पंक्ति में है। स्वामी ब्रह्मदेव? केवल स्वामी ब्रह्मदेव ही नहीं,
समस्त देवता अब एक और हो चुके हैं और अब हम समस्त देवियों को उनके आक्रमण का उत्तर देना है। क्यों आक्रमण के लिए तत्पर है? क्या चाहते हैं समस्त देवता? गौरी नंदन गणेश का वध। गौरी नंदन गणेश का वध? किंतु क्यों? अपनी प्रतिष्ठा के लिए। किंतु हम गौरी नंदन गणेश को ये वचन देकर आए हैं कि उनके प्राणों की सुरक्षा अब हम करेंगे। कितना बड़ा अन्याय है कि समस्त देवता एक छोटे से बालक का वध करना चाहते हैं। गौरी नंदन गणेश केवल पार्वती के पुत्र ही नहीं, हमारे भी पुत्र हैं और अब उनकी सुरक्षा हम पर अनिवार्य है। क्या स्वामी श्रीहरि विष्णुदेव इसे स्वीकार करेंगे? वे इसे स्वीकार करें या ना करें, किंतु हम गणेश की सुरक्षा अवश्य करेंगे और यही चेतावनी हम विष्णुदेव को देकर आ रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि समस्त देवता आक्रमण के लिए तैयार हैं। हाँ देवी सरस्वती, अब ये आक्रमण बालक गणेश पर नहीं, हम पर है और हमें इस आक्रमण का उत्तर देना होगा। यदि समस्त देवता एक और हो चुके हैं तो हम समस्त देवियों को एकत्रित होना पड़ेगा। आप चिंता ना करें देवी लक्ष्मी, पुत्र गणेश के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, देवताओं के आक्रमण का उत्तर दिया जाएगा। हम तो केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे संघार का सुर, और यही वो उचित समय है जब समस्त ब्रह्मांड पर दैत्यों का राज्य स्थापित हो सकता है। समस्त ब्रह्मांड पर दैत्यों का राज्य? हम भी तो यही चाहते हैं गुरुदेव, परंतु ये संभव कैसे हो सकता है ये बतलाइए। वो हम बतलाते हैं संघार का सुर, ये तब संभव हो सकता है जब तुम साहस के साथ शस्त्र उठाओ, फिर देवताओं सहित समस्त संसार तुम्हारे चरणों में होगा। नहीं गुरुदेव, नहीं, ब्रह्मदेव विष्णुदेव और महादेव के होते हुए ये कार्य इतना सरल नहीं है। इंद्रलोक और यमलोक पर हमारा अधिकार होना एक गलत बात है, किंतु विष्णुलोक और शिवलोक पर अपना राज्य स्थापित करना असंभव है गुरुदेव, असंभव है। तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम तो केवल इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इस वृक्ष की डालियां अलग अलग हो, ताकि हमें इन्हें काटने में कोई कष्ट ना हो। गुरुदेव, इसका तात्पर्य यह है कि आप गणेश और देवताओं के मध्य छिड़े युद्ध का लाभ उठाना चाहते हैं? नहीं पुत्र, गणेश और देवताओं के युद्ध का नहीं, हम तो देवियों और देवताओं के युद्ध का लाभ उठाना चाहते हैं। देवता और देवियों का युद्ध? हाँ संहार का सुर, इस समय देवियां गणेश की सुरक्षा के लिए देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। देवताओं और देवियों में युद्ध? गुरुदेव, हमारे लिए ये बड़ा ही शुभ समाचार है। अब हमारा कार्य तो और भी सरल हो गया। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, निश्चिंत रहिए। संहार का सुर समस्त देवताओं के शीश आपके चरणों में डाल देगा। नहीं संघार का सुर, नहीं, हमें उनके शीश नहीं, उनके मुकुट चाहिए, मुकुट। यदि तुम उनका वध कर दोगे तो फिर राज किस पर करो? हम तो ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो मृत्यु से भी भयंकर होगा।